नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। इसके साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे नागपंचमी से संबंधित, क्योंकि नागपंचमी का जो ये खास पर्व है ये मनाया जाएगा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पे, अर्थात 25 जुलाई 2020 को। इस दिन ऐसा कहा जाता है यदि आप नाग देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधाएं आ रही हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में काल्प सर्प दोष उत्पन्न हो रखा है, तो उनको भी यदि इस दिन पूजा अर्चना करने से हर तरह की कष्ट जो है समाप्त हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी भी होती है। अगर बात करें हम नाग देवता की, तो केवल ऐसा नहीं है कि आपके जीवन से कष्ट समाप्त करने के लिए या फिर आपके जीवन से बाधाएं समाप्त करने के लिए नाग देवता की पूजा की जाती है। इनकी पूजा अर्चना इसीलिए भी की जाती है क्योंकि इनको गुप्त धन का स्वामी माना गया है। एक तरह से देखा जाए तो गुप्त धन की जो पहरेदारी करते हैं वो नाग ही करते हैं, तो धन धान्य समृद्धि पाने के लिए भी नाग देवताओं की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है पुरानी कथाओं के अनुसार कि जन्मेजय, महाराज जन्मेजय जो थे उन्होंने नाग देवताओं को भस्म कर दिया था, और उसी के साथ साथ ऋषि जो थे, ऋषि आस्तिका जो थे, उन्होंने नाग पर दूध डाला था, तब जाकर के उनके जो शरीर में जलन हो रही थी वो सभी समाप्त हुई थी। और उसके बाद उसी दिन से ही, अगर देखा जाए तो उसी दिन से ही नाग को दूध पिलाने का विधि विधान बन गया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि आप नाग देवता पे दूध अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में हर बाधाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं। अगर आप पूजा कराना चाहते हैं, काल सर्प दोष निवारण पूजा करवाना चाहते हैं, तो ये दिन सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। यदि इस दिन आप काल सर्प दोष निवारण पूजा करवाते हैं तो इसका आपको दुगना लाभ भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों के कुंडली में काल सर्प दोष उत्पन्न हो रखा है वह कुछ उपाय भी कर सकते हैं। अब उपाय की चर्चा कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। इस दिन यदि आप नारियल के साथ एक चांदी के नागनागिन का जोड़ा एक काले रंग के वस्त्र में लपेट करके बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं तो आपकी कुंडली में जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगले उपाय की चर्चा करें तो इस दिन आप यदि नाग के ऊपर, नाग को अगर आप पंचामृत से या फिर दूध में केवल घी डाल करके अर्पित करते हैं दूध, तो ऐसा करने से भी आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोष है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कम होता है। इसके साथ साथ आपको मंत्र का भी जप करना है 108 बार, ओम नागेंद्र हराय नमः, इस मंत्र का भी आपको जप करना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है भगवान शिव की पूजा अर्चना भी इसी दिन की जाती है, क्योंकि श्रावण मास है, भगवान शिव का प्रिय महीना, और साथ ही साथ भगवान शिव ने अपने गले में नाग को धारण भी कर रखा है, तो इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। साथ ही साथ यदि आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी सांप के काटने का भय है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बार बार सांप आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो आप इसी दिन अपनी चौखट पे जो आपका मुख्य द्वार है वहां पर आप एक चांदी के नागनाकिन का जोड़ा गाड़ भी सकते हैं। ऐसा करने से यदि आपको सांप के डसने का या फिर कहीं ना कहीं सांप को घर में आने का भय है तो वह भी समाप्त हो जाता है। अगले उपाय की, अंतिम उपाय की चर्चा करें तो इस दिन बहुत ही अधिक बेहतर रहता है यदि आप जल में काले तिल डाल करके सांप के ऊपर अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में जो काल सर्प दोष से उत्पन्न दोष है वो उनका भी प्रभाव कम होता है। साथ ही साथ यदि काल सर्प दोष के अलावा भी एक दोष होता है सर्प दोष कुंडली में, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ये कुछ खास उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में काल सर्प दोष से आपको छुटकारा मिलेगा, साथ ही साथ जितनी भी बाधाएं आ रही हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, और भी ऐसी बातें जानने के लिए देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे।